अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज एंड और गेट्स यूजिंग डायोड। माय नेम इज डॉक्टर आमिर शहजाद एंड वी हैव मेड दिस लेक्चर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी बाय रॉबर्ट एल बॉयलस्टेड। और गेट, हियर वी हैव शोन ए ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट वेयर वी हैव टू इनपुट्स X and Y and one output Z. If either of these inputs or both of these inputs are 1, or you can say on, then the output will be 1. Like if the both inputs are 0, 0, then output will be 0. If we have input 0, 1, then output will be 1, and if we have 1, 0 input, then output will be 1, and if we have both inputs are 1, that is 1, 1, so output will be 1. In this course we are dealing with electronic circuits, so we deal with voltages and currents levels. So we have to define certain level of voltage to represent the logic 1, and we have to define certain level of voltages to define logic 0. In this case, in this example particularly, we have 10 volt which represent logic 1, and if we have 0 volt, that will represent 0. But 10 doesn't mean it's exactly 10 volt. We can make certain kind of threshold, like 5 volt to 10 volt may represent 1, and from 0 to 5 volt maybe it can represent logic 0. But this is purely up to the design. It can also be from 0 to, let's say, 3 volt represent 0 logic, and from 7 to 10 volt that can represent 1 volt. But it's up to the designer of that circuit. So we have this circuit which is positive logic OR gate. That means if we apply a plus 10 volt on its either of its input, then the output should give us 10 or approximately 10 volt. Let's see the circuit through this example, where we have this circuit shown in figure 2.39. In this case, the input 1 is at high level, that means E1 is equal to 10 volt and E2 is equal to 0. This is the case where we have one input at high level, logic 1, and the other input is at low logic, that is 0. So इसमें हमने इस example में हमने V0 determine करनी है इस circuit के case में, और हमारे पास ये inputs given है. सिर्फ एक truth table की सिर्फ एक condition यहाँ पे apply हुई हुई है. सो आप देखें कि जो हमने अभी तक टेक्निक डिस्कस की थी कि अगर डायोड का सर्किट है, आइदर सीरीज और पैरेलल सर्किट, हम उसमें सबसे पहले ये चेक करते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है कि नहीं, और इन अदर सेंस वी हैव टू चेक द कंडीशन ऑफ मेकिंग दिस डायोड ऑन और ऑफ. तो आप देखें कि जो D1 है उस पे प्लस 10 वोल्ट अप्लाई हुए हैं थ्रू द इनपुट 1, सो द करंट डायरेक्शन ऑफ दिस बैटरी सोर्स इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हिच मैचेस टू द एरोहेड ऑफ दिस D1. दैट मींस D1 विल बी इन ऑन कंडीशन. सिंस the magnitude of applied voltage is greater than the knee voltage of this diode, that is silicon diode. तो हम इस diode जो कि D1 है,
D1 ऑन है, उसको हमने एक वोल्टेज ड्रॉप जो कि 0.7 का है उस इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। व्हाइल D2 इज ऑफ, D2 क्यों ऑफ है, क्योंकि D2 पे अगर आप देखें एनोड वाली साइड पे 0 वोल्ट अप्लाई है और उसके कैथोड पे हमने थ्रू दिस डायोड हाई वोल्टेज अप्लाई की हुई है। इमेजिन करें कि इस पे 10 वोल्ट है, डायोड पे 0.7 वोल्ट ड्रॉप होके ये जो D2 है इसके कैथोड पे 9.3 वोल्ट अपीयर हो रहे हैं, मींस कैथोड पे हाई वोल्टेज है और एनोड पे लो वोल्टेज है। दैट मेक्स दिस डायोड रिवर्स बायस। तो जब डायोड रिवर्स बायस है हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह की जो इनपुट कंडीशन है उसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास ये फिगर 2.41 में गिवन है। अब हमारे पास ये एक सिंपल सर्किट बन गया है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट। वी नॉट हमारे पास डिफाइन थी अगेंस्ट दिस रजिस्टर ऑफ द वैल्यू 1 किलो ओम। तो यहाँ से आप इस पॉइंट से ग्राउंड तक पोटेंशियल मेजर करें थ्रू KVL, यू विल गेट द वैल्यू। तो KVL अप्लाई करें, राइज ऑफ 10 वोल्ट एंड ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट इक्वल टू वी नॉट, दैट इज राइज ऑफ 10 वोल्ट एंड ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट विच विल बी इक्वल टू वी नॉट। सो वी नॉट इज इक्वल टू 9.3 वोल्ट, और 9.3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 वोल्ट विच इज लॉजिक 1। सो हमारे पास आउटपुट पे 1 है, इनपुट पे हमारे पास 1.0 अप्लाई किया था और आउटपुट पे हमारे पास 1 है। सो ट्रूथ टेबल की एक कंडीशन, जब हमारे पास 1.0 इनपुट है आउटपुट 1 है, दैट इज सिंगल कंडीशन ऑफ OR गेट। बाकी की कंडीशन अगर आप इसमें चेक करना चाहें तो जब E1 10 वोल्ट होगी और E2 भी 10 वोल्ट है, मींस बोथ इनपुट्स आर 1.1, आउटपुट शुड बी 9.3 वोल्ट। वो किस कंडीशन में होगी कि जब आप D2 पे भी 10 वोल्ट अप्लाई करें, दैट मींस D1 और D2 पे एक ही इनपुट है 10 वोल्ट और दोनों पे 0.7 वोल्ट पैरेलल में ड्रॉप हो रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आपके पास 9.3 वोल्ट होंगे जो कि रेजिस्टर के क्रॉस है। दैट विल बी द आउटपुट वोल्टेज या वी नॉट। इसी तरह अगर E1 पे 0 है, दैट इज जो इनपुट 1 है उस पे आपने 0 अप्लाई की लॉजिक, और E2 पे 10 वोल्ट है, दैट इज लॉजिक 1 इज अप्लाइड ऑन इनपुट 2। स्टिल ये जो वोल्टेज ड्रॉप है 0.7 का, उसको आप यहाँ पे इमेजिन करें और इसको ओपन सर्किट इमेजिन करें, स्टिल आउटपुट विल बी 9.3 वोल्ट, दैट इज लॉजिक 1। सो 1.1 के केस में भी लॉजिक 1 है, 1.0.1 के केस में भी लॉजिक 1 है। और अगर दोनों इनपुट्स पे 0 वोल्ट है, दैट मींस यू आर अप्लाइंग नो बायस कंडीशन हेयर, तो कोई बैटरी सोर्स नहीं है, डायोड के फॉरवर्ड बायस होने के लिए डायोड को एटलीस्ट 0.7 पॉजिटिव वोल्टेज रिक्वायर्ड है। सो आप अगर उस पे 0 वोल्ट अप्लाई करें, दिस मींस यू आर बायसिंग दिस डायोड इन नो बायस कंडीशन। द ओरिजिन ऑफ दैट मींस यू आर यू हैव क्यू पॉइंट एट द ओरिजिन ऑफ दिस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो इस केस में भी डायोड ओपन सर्किट होगा, इवन दोनों डायोड्स ओपन सर्किट होंगे, तो आपके पास आउटपुट पे 0 वोल्ट्स आएंगे। अगर आप उस दोनों को ओपन सर्किट कंसिडर करें, तो देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर R, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर R विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट। दैट इज दोनों इनपुट्स अगर 0-0 हैं तो आउटपुट आपके पास 0 है। सो ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट जो हमने ये डिस्कस किया है, इसकी ये चारों कंडीशन के लिए हमने
इनपुट अप्लाई करके इसको देख लिया कि इसकी आउटपुट जो है वो और गेट की तरह है, लॉजिकल और गेट. सो वी कैन से दैट दिस इज पॉजिटिव लॉजिक और गेट सर्किट. नाउ एंड गेट, अगेन एंड गेट का ट्रुथ टेबल यहाँ पे मेंशन है. एंड गेट में जब तक दोनों इनपुट्स वन नहीं होंगी, आउटपुट वन नहीं होगी. इट मीन्स दोनों इनपुट्स जब वन है तो आउटपुट वन है, और जब उनमें से कोई भी इनपुट मीन्स जीरो है, दोनों इनपुट जीरो है, आउटपुट जीरो है, एक भी इनपुट वन है, स्टिल आउटपुट विल बी इक्वल टू जीरो. तो अगेन हमने यहाँ पे लॉजिक जो वन है उसके लिए 10 वोल्ट लेवल मेंशन किया, और लॉजिक जीरो के लिए 0 वोल्ट. तो ये सर्किट आपके पास विच इज पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट. इस सर्किट में देखें कि आपके पास एक बैटरी सोर्स है जो इनपुट अगर वन है जिस लेवल पे, उसी लेवल की या उसी मैग्नीट्यूड का वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है. इसकी एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल की एक जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाइड है, दैट इज इनपुट वन इज इक्वल टू वन और 10 वोल्ट एंड इनपुट टू इज इक्वल टू जीरो और 0 वोल्ट. तो 10 इनपुट हमने अप्लाई किया है तो आउटपुट शुड बी इक्वल टू 0. लेट्स सी whether the output is equal to 0 or not. तो ये सर्किट है आपके पास. इसमें देखें अगेन हम इस तरह डायोड को सॉल्व करने के लिए कंडीशन चेक करते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस. इस केस में देखें D1 पे हमने 10 वोल्ट उसके कैथोड के साथ कनेक्ट की है, मीन्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू प्लस 10 वोल्ट, और फिर उसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी 10 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है बट थ्रू रेजिस्टर R. मींस D1 इज नॉट फॉरवर्ड बायस्ड, और रादर इट इज रिवर्स बायस, बिकॉज इफ यू कंसिडर सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस R, तो ये वोल्टेज इस पॉइंट पे आके 10 से कम हो जाएगी. लेट अस इमेजिन 9.3 वोल्ट या लेट से 1 वोल्ट भी अगर इस पे ड्रॉप हो जाती है, जस्ट फॉर टू हैव क्लियर व्यू, अगर इस पे 1 वोल्ट भी ड्रॉप हो रही है तो यहाँ पे 9 है और इधर 10 है, स्टिल डायोड इज रिवर्स बायस. सो यू कैन सी डायोड के कैथोड पे ज़्यादा या हाई वोल्टेज है एज कम्पेयर टू डायोड डायोड के एनोड पे, या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड. सो D1 इज इन ऑफ स्टेट और रिवर्स बायस एंड D2 इज इन ऑन स्टेट. वो हम देखते हैं किस तरह के D2 के कैथोड पे 0 वोल्ट हैं और एनोड पे हमने 10 वोल्ट थ्रू दिस रेजिस्टर अप्लाई किए, तो D2 जो है वो ऑन स्टेट में है क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है, और करंट की डायरेक्शन भी जो ये सोर्स स्टेब्लिश करेगी वो इसके डायोड के एरो हेड के साथ मैच कर रही है. सो D2 विल बी इन ऑन स्टेट. नाउ इफ यू रिप्लेस द इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ बोथ D1 एंड D2 यू विल गेट दिस सर्किट शोन इन फिगर 2.43. दैट इज D1 के लिए हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया और D2 को हमने 0.7 वोल्टेज ड्रॉप से रिप्लेस किया. तो अब ये सर्किट है आपके पास, यू कैन फाइंड आउटपुट वोल्टेज. तो इस ब्रांच में से तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, वी हैव ओनली दिस लूप. तो इस पे KVL आप अप्लाई करें, राइज इज ई, देन वी हैव ड्रॉप ऑफ VR और देन वी हैव ड्रॉप ऑफ VK. तो अगर हम इस पे V0 फाइंड करना चाहें तो V0 क्या होगी, इस पॉइंट से ग्राउंड तक की वोल्टेज. आपके पास एक पाथ ये है इस पॉइंट से ग्राउंड तक,
और दूसरा पाथ थ्रू दिस डी टू डायोड ये वाला पाथ है. तो आप यहाँ से ग्राउंड तक वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो यू विल गेट 0.7 वोल्ट एट दिस पॉइंट. मीन्स वी आर जो है वो अब वी नॉट नहीं है, जबकि वी नॉट क्या है, ई माइनस वी आर, और वी आर क्या है, ई माइनस वी के, दैट इज 10 वोल्ट माइनस 0.7 इक्वल टू 9.3 वोल्ट इस रजिस्टर पे ड्रॉप होंगे, बाकी के 0.7 वोल्ट इस जी टू डायोड जो है उस पे ड्रॉप होंगे. तो हम अगर इस पॉइंट से वी नॉट को मेजर कर रहे हैं, दैट विल गिव अस 0.7 वोल्ट वैल्यू. तो ये 0.7 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 वोल्ट. तो ये जीरो लेवल पे डिफाइंड है, मीन बूलियन जीरो है. दैट मीन्स हमने इनपुट अप्लाई की 10, आउटपुट हमें क्या मिली, 0. अब बाकी की कंडीशन जो ट्रूथ टेबल की है वो देखें. अगर E1 भी 10 है और E2 भी 10 है, उन दोनों उस केस में देखें, जब E1 भी 10 है और E2 भी 10 है, उस केस में आपके पास V0 0.7 आएगी, सॉरी उस केस में V0 10 वोल्ट आएगी. ये सर्किट थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि E1 भी 10 वोल्ट है, E2 भी 10 वोल्ट है. तो अब क्या है कि ये दोनों डायोड्स रिवर्स बायस्ड हैं. इन दोनों को अगर आप ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दें, बिकॉज 10 वोल्ट इज कनेक्टेड ऑन द कैथोड ऑफ बोथ डायोड एंड 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू दिस आर, स्टिल इफ यू इमेजिन सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, सो वी विल हैव लेसर वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ दिस डायोड एंड हायर वोल्टेज एट कैथोड और द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस डायोड. सो बोथ डायोड्स आर इन रिवर्स बायस कंडीशन. तो ये दोनों डायोड्स हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे. ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो करंट इसमें से फिर जीरो फ्लो करेगा, मींस आर पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, या जिस रेजिस्टर पे हम वोल्टेज ड्रॉप जीरो कंसिडर करते हैं उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं. और आप वोल्टेज वी नॉट कहाँ पे मेजर कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, दैट इज इस बैटरी के ही क्रॉस आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं. तो इसी वजह से आपके पास ये वी नॉट जो है वो 10 वोल्ट आएगी. दैट इज जब लॉजिक 1-1 आपने अप्लाई की, आउटपुट आपको 1 मिली. बाकी ये जो बाकी की दो कंडीशन है, विच इज E1 इज इक्वल टू 0 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू 10, दैट इज इधर हमारे पास 0 वोल्ट है और E2 पे 10 है. तो ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप आप इधर इमेजिन करें और इसको ओपन सर्किट कंसिडर करें, देन स्टिल आपके पास आउटपुट यही होगी 0.7 वोल्ट, दैट इज 0. मीन्स 0-1 भी अप्लाई किया तब भी आपको 0 आउटपुट मिली. अब दोनों इनपुट्स पे आप 0 वोल्ट अप्लाई करें, व्हाट विल बी द आउटपुट. सो अगर दोनों जो इनपुट्स हैं उन पे हमने 0 वोल्ट से अप्लाई किया, तो इस केस में हमारे पास दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे. दोनों को आप 0.7 वोल्टेज ड्रॉप से रिप्लेस करें. पैरेलल में है, सिमिलर वोल्टेज है, तो आप इस पॉइंट से ग्राउंड तक वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, तो आउटपुट आपके पास 0.7 वोल्ट होगी, विच इज अगेन लॉजिक 0. सो एंड गेट का कंप्लीट ट्रूथ टेबल हमने चेक किया बाय अप्लाइंग सर्टेन लेवल ऑफ वोल्टेजेस ऑन द इनपुट्स, और आउटपुट पे हमने गेन लेवल ऑफ वोल्टेज चेक किया और उसको बूलियन में देखा कि वो लॉजिक 0 है या 1. फॉर योर प्रैक्टिस यू नीड टू अप्लाई दीज टू कंडीशंस ऑन दीज टू सर्किट्स एंड सॉल्व दिस सर्किट इन एग्जैक्ट वे वेयर वी हैव सॉल्व दिस सर्किट, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो के 0-0 या 1-1 के केस में आउटपुट वाकई 1 या 0 आ रही है कि नहीं. सो दैट विल बी द एंड ऑफ दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.